वसनम घनोपमं शतपत्र पत्र सदृशायते क्षणम् ऋतवेणु रेणु परिमंडितं गवाम् हृदि नोऽस्तु कौस्तुभ विभूषणम् महः हृदि नोऽस्तु कौस्तुभ विभूषणम् वेदांती लोग ये सिद्ध करते हैं कि संसार में जितना दुख है, जितना अनर्थ है, वो सब आत्मा को ब्रह्म न जानने के कारण है। ब्रह्मात्मयी की विद्या प्राप्त न होने से, अर्थात अविद्या से, अज्ञान से ही संसार में सारे दुख और सारे अनर्थ प्राप्त होते हैं। वैसे ही भक्ति दर्शन का ये सिद्धांत है कि परमेश्वर भगवान हर जगह है और हर समय है और सब में है। वही मैं है, वही ये है, ये भक्ति का सिद्धांत है। परमेश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है नहीं। बोले फिर ये जीव दुखी क्यों है? जीव इसलिए दुखी है कि उस परमेश्वर की भक्ति नहीं करते, उस परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। ये संसार में जितना दुख, जितना अनर्थ है, उसका कारण यही है कि मनुष्य के हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं है। भक्ति आ जाए हृदय में तो दुनिया के दुख भी सुख हो जाए, अनर्थ भी पुरुषार्थ रूप हो जाए, सुषुप्ति भी भगवान की गोद हो जाए और मौत ऐसी हो जाए जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी खेलते खेलते मर जाते हैं तो भाई अभी मर गए अलग हो। तो जैसे खेल में मृत्यु होती है, खेल में वैसी तो मृत्यु हो जाए, जैसे सिनेमा में रोग होता है वैसा रोग हो जाए, बोला अनर्थ अर्थ हो जाए, दुख सुख हो जाए, सृष्टि का रूप ही बदल जाए अगर हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आवे। ये कोई मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन तत्वों के ज्ञान का नाम भक्ति नहीं है, बोला ये कोई सातवें आसमान में बैठे हुए ईश्वर को ढूंढना वो बात नहीं है। ये तो अपने जीवन में ईश्वर को प्रकट करने का नाम भक्ति है। हम चलते हैं ईश्वर की ओर जा रहे हैं, हम करते हैं हाथ से काम, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम मुंह से बोलते हैं, ईश्वर का नाम बोल रहे हैं, हम कान से सुनते हैं, ईश्वर का यश गुणानुवाद सुन रहे हैं, हम हृदय से चिंतन करते हैं, ईश्वर के गुणानुवाद का चिंतन कर रहे हैं। माने ये जो व्यक्तिगत जीवन है, इस व्यक्तिगत जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ने का नाम भक्ति है। ये धन से भी होती है। श्री वल्लभाचार्य महाराज ने एक वित्तजा सेवा मानी है, वित्तजा सेवा,
धन से भगवान की सेवा करना, एक तनुजा सेवा मानी है, अपने शरीर से भगवान की सेवा करना, एक मानसी सेवा मानी है, अपने मन से भगवान की सेवा करना। तो ये कोई तन से, मन से, वचन से परे की चीज को सोचना नहीं है, केवल भक्ति माने केवल सोचना सोचना नहीं, भक्ति माने जीवन में ठोस दुनिया में धन से, अपने कर्म से, धर्म से, अपने भोग से और अपने मोक्ष से भी भक्ति कर सकता है। तो बोला मोक्ष से भक्ति कैसे होगी, जब परिवार का बंधन नहीं रहेगा, स्वर्ग नरक का बंधन नहीं रहेगा, पुनर्जन्म का बंधन नहीं रहेगा, तो निष्काम भाव से अपने प्यारे प्रभु की सेवा करेंगे तो भक्तिर मुक्ते ही व निर्विघ्ना, दुनिया की ओर से मुक्त हो करके, सब से छूट करके और अपने प्यारे प्रभु की सेवा में लगे हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ भक्ति के सहायक हो जाते हैं। भक्ति क्या है, तो भक्ति को कहीं से ढूंढ के लाना नहीं है। आपके जीवन में किसी से मोह है कि नहीं, आप कह सकते हैं कि हमको किसी से मोह नहीं है। वैसे कई बार आदमी को भ्रम होता है, वो समझता है कि हमारे मोह नहीं है, कहेंगे हमारा बेटे से कोई नहीं मोह है हमारा, पर जब बेटा बीमार पड़ेगा तब मोह जो छिपा हुआ होता है वो जाहिर हो जाता है। एक सज्जन थे तो हमारे पास आते कभी कभी, तो हम पूछते चित्त प्रसन्न है, कहा महाराज कृपा तो बाल बच्चे प्रसन्न है, तो बोलते उनकी याद ही मत दिलाओ, मैं तो उनको छोड़ चुका, भूल गया। अब रात को महाराज एक बेटे के सिर में हुआ दर्द, आज 12 बजे रात को हमको जगाया, तो महाराज आशीर्वाद दो उसका दर्द दूर हो, चलो आप उसको सिर पे हाथ रखो। अब देखो हमने कुछ कहा नहीं, हमने जाके सिर पे हाथ रखा बोला, लेकिन मन में ये आया कि सवेरे तो कहते थे कि याद मत दिलाओ। आदमी के मन में होता है कि हमारा धन के प्रति लोभ नहीं है, ऐसा काल होता है, अभिमान भी होता है, ख्याल भी होता है कि मैं निर्लोभ हूँ, लेकिन जब जाने लगता है या आने में देर करता है तब पता चल जाता है कि मन में लोभ है। ऐसे ख्याल होता है कि हमारे मन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लेकिन मौका आने पर काम क्रोध दोनों दर्शन देने लगते हैं। तो अब आपको भक्ति की बात सुनाते हैं। आपका परिवार के प्रति मोह भले न हो परंतु देह के प्रति तो मोह जरूर होगा, तो मोह आपका बना रहे परंतु वो मोह परिवार से न हो, देह से न हो, भगवान से हो। तो आपका मोह यदि रूपांतरित हो गया ना, विषयांतरित हो गया, पहले देह से मोह था, देह के संबंधी से मोह था, और अब आपका मोह भगवान से हो जाए, तो मोह तो मन में बना रहे लेकिन वो देह से न हो, देह के संबंधी से न हो, भगवान से हो, तो इसका नाम क्या होगा? इसको भक्ति बोलते हैं, बोला। अच्छा, लोभ तो आपके मन में रहे लेकिन धन का न रहे, भगवान का रहे, काम आपके मन में रहे परंतु स्त्री पुरुष का न रहे, भगवान का रहे, आप पांव से चले लेकिन भगवान के धाम में चले, भगवान का दर्शन करने के लिए चले, आप हाथ से काम करें जिससे भगवान खुश हो, आप भोग लगाओ, खाओ खुद, भोग लगाओ ऐसा जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो असल में अपने जीवन का जो मुंह है वो व्यक्तित्व की ओर से मोड़ करके सर्वदेश में, सर्वकाल में, सर्वरूप में, सर्व के हृदय में, सर्वात्मा जो समष्टि रूप से भगवान बैठे हुए हैं, उनकी ओर अपने मन का मुंह मोड़ देना और प्रेम से
भी प्रेम से, इसका नाम भक्ति है। तो वेदों में भक्ति का कैसे वर्णन है ये बात आगे आवेगी। वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्र में भक्ति का कैसे वर्णन है, पुराण में, इतिहास में, ये प्रसंग आगे आवेगा। इस ग्रंथ का नाम है सांडिल्य भक्ति दर्शन। तो भक्ति दर्शन एक तो मिलता है देवर्षि नारद का, और एक मिलता है सांडिल्य का, और एक मिलता है अंगिरा का, और भक्ति के दो दर्शन और मिलते हैं सूत्रात्मक, परंतु जिसने बनाया ये उसमें लिखा हुआ नहीं है, अभी तक पता नहीं लग सका कि उनका बनाने वाला कौन है। वेद में भी एक सांडिल्य ऋषि का नाम आता है, और पंचरात्र के अनुयायियों में भी एक सांडिल्य ऋषि का नाम आता है, और ब्रह्म सूत्र के भाष्य में एक जगह भगवान शंकराचार्य ने सांडिल्य ऋषि के नाम का उल्लेख किया है। तो इसका मतलब हुआ कि सांडिल्य ऋषि बड़े पुराने ऋषि हैं। एक वैदिक सांडिल्य है और एक पंचरात्र आगमिक सांडिल्य है। तो ये जो भक्ति दर्शन है, ये आगमिक जो सांडिल्य ऋषि है, पंचरात्र में जिनका वर्णन है, वे सांडिल्य ऋषि इस भक्ति दर्शन के निर्माता है। इस पर टीका की दृष्टि से अगर विचार करें तो श्री रामानुजाचार्य के संप्रदाय की दो टीका इस पुस्तक पर थे। एक श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने स्वयं इस पर भाष्य लिखा था, वो भाष्य मिलता तो नहीं है, परंतु दूसरे टीकाकारों ने श्री रामानुजाचार्य के भाष्य का नाम लेकर उस पर विचार किया है, तो सिद्ध तो हो गया कि भाष्य होगा। और एक श्री निवासाचार्य जी महाराज का भाष्य था उसी संप्रदाय का, और एक श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय की टीका थी, और स्वामी नारायण संप्रदाय की दो टीका है, तो वो मिलती है। और एक भेदवादी स्वप्नेश्वराचार्य जी महाराज से उनकी भी टीका मिलती है, औपाधिक भेदाभेदवादी, वो कहते थे, उनका बड़ा विलक्षण मत, वो कहते थे कि ठीक है, जीव शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, असंग है, उदासीन है, आत्मा का स्वरूप यही है, लेकिन उपाधि के साथ रहने के कारण उसमें उपाधि का रंग मालूम पड़ता है, उपाधि का कर्तापन, उपाधि का भोक्तापन, उपाधि की परिच्छिन्नता, उपाधि का राग, उपाधि का द्वेष, सब उसमें मालूम पड़ता है, और इसी के कारण वो अपने को रागी, द्वेषी, परिच्छिन्न, कर्ता, भोक्ता मान करके दुखी हो रहा है। लेकिन जब तक उपाधि बनी रहेगी तब तक को भी विवेक करो, उनका ये मत है, तब तक को भी विवेक करो जब तक स्फटिक में जपा कुसुम की लालिमा पड़ती रहेगी, तब तक उस स्फटिक का को भी विवेक करो कि ये लाल नहीं है, सफेद है, एक बार उपाधि हटा दो, सफेद देख लो, है? जब उपाधि को हटा दोगे और स्फटिक को सफेद देख लोगे तब तो फिर लालिमा भी फड़े स्फटिक में, तो स्फटिक को सफेद ही समझोगे, लेकिन उपाधि अगर हटी नहीं, जपा कुसुम हटा नहीं, तो कोटि विवेक करो, वो लाली जो है वो विविक्त नहीं हो सकती। इसीलिए जब तक ये अंतःकरण विद्यमान है, अंतःकरण रूप उपाधि, और इसमें राग होता है, द्वेष होता है, काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, कर्तापन होता है, भोक्तापन होता है, तो जब तक ये बना रहेगा तब तक इसके धर्म का जो अभ्यास है आत्मा में ये छूट नहीं सकता। इसलिए क्या करना चाहिए कि ईश्वर का चिंतन करके, ईश्वर की भक्ति करके इस व्यष्टि अंतःकरण को समष्टि में मिला देना चाहिए, और जब समष्टि में ये मिल जाएगा तब ये साक्षी से बिल्कुल पृथक हो जाएगा, और तब उपाधि का कोई धर्म साक्षी में असंग आत्मा में नहीं मालूम पड़ेगा, और तब ये शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति करके इस उपाधि का नाश करना, इस उपाधि को ईश्वर के साथ मिलाना जरूरी है। भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो, भगवान से प्रेम करो,
भगवान में तन्मय हो जाओ, अपने अंतकरण को भगवान के साथ मिला दो और तुम स्वयं साक्षी शुद्ध ब्रह्म बिल्कुल निर्मल उदासीन हो। परंतु इसके लिए इस उपाधि रूप अंतकरण को ईश्वर के साथ मिलाना पड़ेगा। ये औपाधिक भेदाभेदवादी स्वप्नेश्वराचार्य का व्याख्यान जो इस ग्रंथ पर है उसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। शंकराचार्य के संप्रदाय की इस पर एक टीका है, वो काशी में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं स्वामी नारायण तीर्थ, और बड़े बड़े ग्रंथों पर उन्होंने टीका लिखी है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने इस कांडिल्य भक्ति दर्शन पर भी एक टीका लिखी है और उन्होंने इसमें ये सिद्ध किया है कि ये जो पराभक्ति, जिस पराभक्ति का वर्णन कांडिल्य दर्शन में है, उस पराभक्ति में और ब्रह्म विद्या में कोई अंतर नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान है कोई भक्ति है, और जो भक्ति है कोई ब्रह्म ज्ञान है। ये तो आप देखो, किसी किसी को ऐसा राग द्वेष हो जाता है, हम बोले कि ब्रह्म 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 ब्रह्म, तो एक आदमी तुरंत उठ के खड़ा होगा और बोलेगा कृष्ण कृष्ण बोलो, ब्रह्म ब्रह्म क्यों बोलते हो, उसको ब्रह्म नाम पसंद नहीं आ रहा है। और देखो हम बोले कृष्ण 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 कृष्ण, तो एक आदमी उससे बोलेगा कि क्या कृष्ण कृष्ण बोलते हो, ब्रह्म ब्रह्म क्यों बोलते हो। अब इसमें गड़बड़ी क्या है, देखो ब्रह्म सूत्र है वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र, तो उसमें पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उस पर रामानुजाचार्य की टीका है, तो उसमें लिखा है ब्रह्म माने नारायण। उस पर वल्लभाचार्य महाराज की टीका है, तो उसमें लिखा है ब्रह्म माने पुरुषोत्तम। उस पर निंदार्काचार्य की टीका है, तो उसमें लिखा है रमापति राधापति पुरुषोत्तम। तो वो लोग तो ब्रह्म माने पुरुषोत्तम, ब्रह्म माने नारायण, ब्रह्म माने राधा रमण, ऐसा अर्थ मानते हैं बलदेव विद्याभूषण का भाष्य गोविंद भाष्य, तो उसमें ब्रह्म माने राधा रमण। तो बिना जब सब संप्रदाय की आचार ऐसा मानते हैं कि जिसका नाम ब्रह्म है उसी का नाम राम है, जिसका नाम राम है उसी का नाम ब्रह्म है, जिसका नाम कृष्ण है उसी का नाम ब्रह्म है, जिसका नाम ब्रह्म है उसी का नाम कृष्ण है, तो तुम नाम सुन के घबराते क्यों हो। भक्ति का कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है, रामानुजाचार्य मध्वाचार्य वल्लभाचार्य निंदार्काचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंदाचार्य, भक्ति का ऐसा कोई वैदिक संप्रदाय नहीं है जो अपने परमेश्वर का नाम ब्रह्म न मानता हो। तो लड़ाई कार्य का, लड़ाई कार्य की किस बात की लड़ाई है। तो अब एक बात यह है कि आप दुख मिटाना चाहते हो कि नहीं, सवाल तो सीधा है। अरे दुख तो चींटी भी मिटाना चाहती है, खटमल भी मिटाना चाहता है, चूहा भी मिटाना चाहता है, मच्छर को भी अगर जोर से हाथ चलाओ तो उड़ के भाग जाएगा हो, आप कान के पास आके बोल रहा हो और हाथ कान के पास ले जाओ तो उड़ के भाग जाएगा। तो दुख से बचने की कोशिश तो मच्छर भी करता है, तुम मनुष्य हो करके दुख से बचने की कोशिश न करो तो ये बिल्कुल एक मूर्खता की बात होगी। ऐसा दुख से बचने की तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम खूब भोग करेंगे तो दुख से बच जाएंगे। हमने तो देखा ज्यादा भोग करने वाले लोग ज्यादा दुखी होते हैं। हमारे पास वृंदावन में कहीं कहीं से लोग आते हैं महाराज, वो आके बताते हैं कि अधिक भोग करने के कारण हमको टीबी हो गई, आके ऐसे बताते हैं। वृंदावन में एक टीबी हाथ में चले हो, वहाँ दवा होती है तो टीबी की दवा कराने के लिए लोग आते हैं, जैसा अधिक भोग करने के कारण महाराज टीबी हो गई। ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज अजीर्ण हो गया है, अपच हो गया है, संग्राणी अतिसार हो गया है, क्यों हो गया है कि ज्यादा खाने की वजह से हो गया। तो भोग में यदि नियंत्रण नहीं होगा महाराज, भोग में यदि नियंत्रण नहीं होगा तो मनुष्य का दुख कैसे मिटेगा, वो सुखी कैसे होगा। अच्छा पैसा, बहुत पैसा होने का भी बड़ा दुख होता है। जिनके पास पैसा नहीं है उनको ये भ्रम है कि जब बहुत पैसा हो जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हे ईश्वर जिसके ऊपर कृपा करे उसको अपने चरणों में लगावे, ये पैसे के चक्कर में से डाले, क्योंकि छूटता नहीं है। एक परे एक परे एक परे,
बढ़ता ही जाता है। अच्छा, ज्यादा कर्म करें, ज्यादा कर्म करने में तो और थक जाते हैं और फंस जाते हैं, ज्यादा व्यापार का गोरख धंधा तो और तमाशा बन जाता है। तो बोले कि भाई पहले योगाभ्यास करने का वो तो बड़ा कठिन है, तो ज्ञान का विचार करें तो वो तो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होए, अंतःकरण शुद्ध होए, सदगुरु की कृपा होए, पर ब्रह्म परमात्मा की सच्ची जिज्ञासा होए, तब वो गले के नीचे उतरे, तब वो हृदयंगम होए। तो एक ऐसी वस्तु चाहिए कि जो सबके कल्याण के लिए होवे, सबके मंगल के लिए होवे, अर्थात भक्ति जिज्ञासा, उसको भगवान का नाम लेकर के करना, भगवान का नाम लेकर के काम करने से वो निर्विघ्न और जब से जैसे रहे तो हम 5-6 बरस है, 6-7 बरस समझ रहे हैं और थोड़े 26 बरस हो गया, 2 रुपए का चंदा किया है गरीब ब्राह्मण और गोली आप 4 बार कह के घर में से निकलता था, और जाने के दिन जाने के समय अगर ये बात याद आ गई और 4 बार नारायण नारायण कह करके गया तब तो गोली भर के लौटा, और जाते समय अगर भूल गया तो उस दिन खाली झोली लेके लौटना पड़ा, खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्होंने बताया कि हमारी जिंदगी भर का अनुभव है, नारायण नाम में बड़ी भारी शक्ति है, नार माने नर का मनुष्य का हृदय, नरस्य इदम नारम, नर माने हृदय, नर का हृदय, नार माने नर का हृदय, और आयन माने घर। ये भगवान का बेतार के तार का है, तार का पता है, हो तार का जिसे एड्रेस होता है ना तार का, ऐसे ये तार है, तार का पता है नारायण, चिट्ठी भेजनी हो, तार भेजना हो, टेलीफोन करना हो, नारायण के नाम से भेज। कई बार हम लोगों ने नाम का फायदा उठाया है, बड़ों का नाम लेकर के काम करने से। एक लिखा है शास्त्र में कि अपने से खून भी जल्दी हो जाए तो भगवान का नाम लेने से वो दूर हो जाती है। मंत्र तक संकर तक सुग्राम देश कालार्ह वस्तुता सर्वम करोति सुग्राम नाम संकीर्तनम भवा। मंत्र से कमी हो, मंत्र में त्रुटि हो, क्रिया करने में त्रुटि हुई हो, देश अशुद्ध हो, समय ठीक न हो, योग्य पात्र न मिले, वस्तु अशुद्ध हो, लेकिन यदि भगवान का नाम उच्चारण करो हरे नारायण तो वो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। तो अथा ये भगवान का नाम है। अब अतः की बात करते, अतः में बड़ा मजा है। मजा क्या है, ये जो भगवान की भक्ति है उसका एक अनिवार्य फल है। ये क्या फल है, प्रेम का ये स्वभाव है कि जब वो एक से होता है तो दूसरे के प्रति वो वैराग्य उत्पन्न करा लेता है। आप ये प्रेम का स्वभाव समझो, एक से लग जाओ, प्रेम सच्चा प्रेम सच्ची लगन एक से लग जाएगी तो और जितनी जगह दुनिया में प्रेम होगा वो छूट जाएगा। ईश्वर से प्रेम होए और पैसे से प्रेम न छूटे तो समझना कि अभी ईश्वर से प्रेम नहीं लगा, और ईश्वर से प्रेम लगे और बंधु बांधवों से प्रेम न छूटे, थोड़ा इधर हो थोड़ा उधर हो तो समझना कि अभी प्रेम नहीं छूटा। तो अतः शब्द का अर्थ ये है कि दुनिया में तुम्हारा जितना अनुराग है, स्त्री में, पुत्र में, धन में, मकान में, भोग में, राग में, देवता में, दानी में, इंद्र में, चंद्र में, सूर्य में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, जितना अनुराग है जिसके कारण संसार में भटकना पड़ता है, ये संसार में जो राग है इसको छुड़ाने वाली है ये भक्ति। और जब संसार का राग छूट जाएगा तो समझो दुख कितना कम हो जाएगा। दुनिया में कितने लोग मरते रहते हैं, उनके मरने का दुख कहाँ होता है, जिससे राग होता है वो मरता है, सब दुख होता है। दुनिया में कितने लोग अपने सामने से जाते रहते हैं, जिससे द्वेष होता है, अगर वो अपने सामने आ जाए
अपने सामने आ जाए तो दुख हो जाता है। तो संसार के सुख और दुख से, राग और द्वेष से, पाप और पुण्य से यदि छूटना हो, यदि नरक में जाने का मन न हो, यदि पुनर्जन्म से बचने का मन हो, यदि नरक में जाने का मन न हो, यदि पुनर्जन्म से बचने का मन हो, और यदि संसार में भटकने का मन न हो, और यदि भगवान के चरण परम मंगलमय है, परम कल्याणमय है, उस परमेश्वर की प्राप्ति की यदि इच्छा हो, तो आओ भगवान की भक्ति क्या है इस बात पर विचार करें। भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करें। जब देखो कर्म का जो फल है, करने में भी दुख, कर्म का फल भोगने में भी नाशवान, और उसका जो संस्कार पड़ता है वो पुनर्जन्म में ले जाता है। अब कल आपको सुनाएंगे कि भगवान में जब अनुराग होता है तो उसके 15 लक्षण होते हैं। उसका नाम है इष्ट, उसका नाम है सत्य, ललित, छलित, वलित, हरित, वृहित, विहृत, क्रांत, विक्रांत, संक्रांत, ये प्रेम के भेद होते हैं। तो कैसा कैसा प्रेम होता है भगवान के साथ, और उसमें क्या क्या आनंद आता है, अब ये चर्चा आपको कल सुनाएंगे।